डियर फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त प्रदीप गौड़ आज आपको दिखा पा रहा हूँ संगम नगरी प्रयागराज त्रिवेणी संगम का अद्भुत और पावन नज़ारा। इस टाइम हम खड़े हैं जहाँ पे गंगा यमुना और सरस्वती माता का मिलाप होता है, संगम होता है। ये अद्भुत और पावन संगम का दृश्य आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे लोग बताते हैं गहराई कुछ ज़्यादा है, लगभग 50 मीटर गहराई होने की वजह से नाव से लोग डायरेक्ट नहीं उतरते हैं स्नान के लिए। दो नाव आपस में जोड़कर नीचे रस्सी को तखत में बांधकर तखत लटकाते हैं और उसी के ऊपर उतरकर लोग स्नान करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर रस्सी को तखत में बांध के लटकाया गया है और लोग उसी पर उतरे हैं, क्योंकि बताया जाता है लगभग 50 मीटर से अधिक पानी है, ऐसे उतरना थोड़ा रिस्की होगा, इसलिए लोग यहाँ पे काफ़ी अच्छी व्यवस्था बनाए हुए हैं और दो नाव आपस में जोड़कर तखत को नीचे लटकाकर स्नान करने का बहुत ही अच्छा साधन बनाए हुए हैं। ये लोग नाव से तखत पर उतर कर स्नान कर रहे हैं। और कुछ लोग स्नान करके वापस जाते हुए ये प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर लोग नाव से आते हैं। लगभग 2 से 3 किलोमीटर यहाँ पे नाव से आया जाता है जल में, और ये दूर दूर तक पूरा जल ही जल, गंगा मैया का जल ही जल दिख रहा है। और ये इधर से सरस्वती मैया आई हैं और जमुना मैया आई हैं। यहाँ पे सरस्वती मैया विलुप्त हैं और गंगा मैया व सरस्वती मैया का जल यहाँ पे अलग अलग कलर में देखने को मिल रहा है। ये जल आपको जो गंगा मैया का देख पा रहे हैं और ये इस साइड ये जमुना मैया का है, और इस साइड से सरस्वती मैया आई हैं जो कि यहाँ पर आके विलुप्त हो गई हैं, और इसी का संगम नाम है, इसी को गंगा यमुना सरस्वती का पावन संगम कहते हैं। और संगम का ये बहुत ही अद्भुत और पावन दृश्य। थैंक यू फ्रेंड्स।